डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई कोमा में बेटा ऋत्विक मैं आपको किसी झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहता मतलब यूथनेशिया मेरे ख्याल से हमें इन्हें जाने देना चाहिए आई मीन ही हैज सफर्ड इनफ जब तक ये मशीन्स हैं तब तक ये है यूथनेशिया मेरे ख्याल से हमें इन्हें जाने देना चाहिए ही हैज सफर्ड इनफ पलक सो क्या सोच रही द बिग क्वेश्चन मेरी जिंदगी और मौत का फैसला मैं हेल्प कर देता हूं मतलब मुझे कुछ अनप्लग करने की जरूरत नहीं है मैं अब सिर्फ तुम्हारी ख्यालों में हूं और तुम्हारे ख्यालों में से तो कोई मुझे अनप्लग नहीं कर सकता ना कोई भी मशीन मुझे किसी मर्सी क्लिंग की जरूरत नहीं मैं जा चुका हूं पलक ये जो ऋत्विक है ना ये अब सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन में है यहां उसे यहीं रहने देना और मुझे मुझे जाने देना ओके ऋत्विक की इस हालत से पलक टूट सी गई है कुछ भी करके मुझे इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद करनी चाहिए ध्यान लगाइए आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कीजिए आप कौन ध्यान लगाइए इधर आइए विराजी हेलो ब्यूटीफुल लेडीज मेडिटेशन योगा प्राणायाम ये सब स्ट्रेस से डील करने के बहुत ही बोरिंग तरीके हैं आप सबको चाहिए बहुत सारी डार्क चॉकलेट्स शॉपिंग गुड सरकाज़म एंड लॉट्स ऑफ स्वेट ट्रस्ट मी स्वेटिंग रियली वर्क्स दिल खोल कर गालियां दो मन के अंदर के सारे दरवाजे खोल दो अंदर की सारी भड़ास बाहर निकाल दो जोर से चिल्लाओ मन शांत हो जाता है और उसके लिए तुम्हें एक ह्यूमन पंचिंग बैग चाहिए जो मैं बनने के लिए तैयार हूं I don't mind being your punching bag. Seriously? Yes. सोच के बताता हूँ. इस हैंड सैनिटाइजर से सिर्फ जर्म्स मरेंगे. प्रॉब्लम्स नहीं. वैसे मेरा ऑफर अभी भी ऑन है. सोच लो. आज मेरे बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई. What do you think? ये कौन? ये. पापा. अरे जिया मम्मा स्विमिंग क्लासेस आनी है स्विमिंग आप स्नैप वाली जाएंगे आपको जिया चलो मेरे साथ ये मॉम आर यू गाइस मैरिड हां वी आर मैरिड पर हम हस्बैंड वाइफ नहीं है आपने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है नहीं देखा तुम्हारी हेल्प के बिना ना मुझे कोई लड़की भी नहीं मिलेगी तुम्हें मजाक सोच रहा है अभी भारत नेगेटिव थॉट्स तो तुम लेकर बैठी हो मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव हूं देखना ऋत्विक को कुछ भी नहीं होगा पलक
मेरे साथ चलो। कहाँ? विक्रांत थेरेपी। चलो शुरू हो जाओ कथार्सिस। क्या बोल रहे हो तुम? अरे चिल्लाओ इस पे, पूछो इससे क्यों तड़पा रहा है तुम्हें, क्यों परेशान कर रहा है, कब उठेगा, पूछो। और तुम ना हमेशा वो प्यार भरी बातें करती होगी, बेबी तुम्हारा फेवरेट फ्लावर, बेबी तुम्हारा फेवरेट कलर, वो सनसेट सो बोरिंग। अरे ऐसी बातें सुन के ऋत्विक क्या मैं खुद कोमा में चला जाऊंगा? हाँ तो ऐसे ही हूँ मैं, नहीं आती मुझे बातें बनानी, और ये सब काम वैसे भी ऋत्विक नून का है ना। हाँ पर तुमने इससे कुछ तो सीखा होगा ना, मेरे कल ना मांगने से नहीं मिलते, उन्हें बनाया जाता है। चलो पूछो इससे क्यों ऐसे पड़ा हुआ है, कब उठेगा, क्यों परेशान कर रहा है तुम्हें, पूछो। क्यों पड़े हुए, वैसे उठते क्यों नहीं हो? वरना तुम्हें छोड़ के आई विल मूव ऑन। नहीं, आई विल नेवर मूव ऑन। अरे धमकाने में क्या जाता है, पूछो। ऋत्विक अगर तुम नहीं उठोगे तो आई विल मूव ऑन। मरना है तो मर जाओ, ऐसे आधा अधूरा काम मत करो। मरना है तो मर जाओ, ऐसे आधा अधूरा काम मत करो प्लीज। तुमने ना हमेशा मुझे परेशान किया, पहले गोल्ड डिगर बुलाते थे, फिर सेल्फिश बुलाते थे, बट सेल्फिश तुम हो ना, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो ना। मैंने सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया, मैंने विक्रांत से शादी भी की। मत करो प्लीज, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ प्लीज। बहुत कुछ ऐसे बोलो तुम मुझे लेके, तो सुनो अगर अब तुम नहीं उठे ना, आई विल स्लीप विद विक्रांत, आई विल स्लीप विद विक्रांत एंड आई विल मूव ऑन ऋत्विक। इफ यू डोंट गेट अप आई विल स्लीप विद हिम, आई विल स्लीप विद हिम। यू गेट अप यू बास्टर्ड, यू गेट अप। चाहे तुम्हें यहां से सुन नहीं सकता पर मुझे पता है तुम और ऋत्विक एक हो, और मैं तुम्हारे दिल में वो जगह कभी नहीं ले सकता। सर ये इश्क है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आप दिल का इलाज कर सकती हैं पर उसकी धड़कन को समझ नहीं सकते। दिल ही तो है, कोई आ जाएगा अनन्या, ताजी दादी आ जाएगी। बेबी मेरे घर पे ताजी दादी कहाँ से आएगी? अरे अनन्या तुम मेरे घर पे रुकी हो, क्या फर्क पड़ता है? किसने क्या फर्क पड़ता है यार, तुमने कल क्या पिला दिया था मुझे? छोड़ो इजिप्शियन वाइन। इजिप्ट रियली? शिवम फक दरवाजा खोल। अनन्या ताजी दादी आई है यार, वो मुझे इजिप्ट की मम्मी बना देगी। इतना टाइम क्यों लगा रहा है? शिवम मेरे कपड़े किधर है? शिवम ओ शिवम शिवा आया तारी दादी। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। ले तेरा, ठहर जा मैं रखती हूँ, तो गिरा देगा तेरा चॉकलेट मिल्क टाइम, पी ले। दादी हाय रब्बा। दादी मैं दूध पी लूंगा, आई प्रॉमिस। आप क्या हुआ? वो कल पार्टी में ना कुछ गलत खा लिया था दादी, तो पेट थोड़ा सा। बेटा तो पॉटी करा ना। पापा तारी दादी आ रही है। पापा दादी आपको बुला रहे हैं। पापा मैंने तो सुना ही नहीं। सुन पॉटी जरूर कर लेना। हाँ दादी वो। हाँ पापा पॉटी जरूर कर लेना। हाँ दादी कर लूंगा। कॉफी? नहीं कॉफी से बीपी हाई हो जाता है। और चाय से एसिडिटी होती है, और पानी से? पानी तो पी सकती हो ना, वही पी लो। वैसे ऋत्विक को डांटना काम आया? वो काम आया हो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। वही तो, स्टे लाइक दिस होपफुल पॉजिटिव। Do you think I am okay with this?
ऐसा करके ना हम सिर्फ रिक्की भाई को और दर्द दे रहे हैं। We're just torturing him, पा। पाप मेडिकल साइंस भी ये मिरेकल नहीं कर पा रहा है। We waited way too long। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है बताए बेटा? एक बाप अपने कंधे पर अपने बेटे की अर्थी। पा अच्छा वर्कआउट था, है ना? आई टोल्ड यू यू शुड ट्राई किकबॉक्सिंग एंड यू शुड ट्राई योगा। तुमने मेरे योगा टीचर को क्या स्कैंडलाइज किया? अरे वो था ही ऐसा, वैसे वहां पे तो वो लड़की भी होगी ना। डैड विक्रांत ने यूएस में एक स्पेशलिस्ट से बात की है, वो उसके कहने पे इंडिया आ रहे हमारे ऋत्विक को ठीक करने। रिकी को कोई यूथनेशिया नहीं देगा, नून जितनी जल्दी हार नहीं मानते हैं, है ना पापा जी? डैड ऋत्विक उठेगा, उसे उठना होगा। बहुत भूख लग रही है। चले किलिंग। I can't believe it, भाई। भाई घर पे सबका दिमाग खराब हो गया। That's Ricky भाई, how can anyone? I know यार, मुझे भी ये सब बहुत शॉकिंग लग रहा है। मैं रिक्की भाई को कुछ भी नहीं होने दूंगा, that's it। यार, I wish कि कल तो वहां होता और उन सबके चेहरे देखता तो। पापा जी मैं वैसे सोच रहा था कि एक छोटा सा फैमिली हॉलीडे प्लान कर ले, मतलब बच्चों की 3 दिन की छुट्टी भी है, इट विल बी अ फन आउटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है ये, वहाँ भाई मर रहे हैं और इन्हें हॉलीडे पे जाना है, कौन से हॉस्पिटल चले हॉलीडे पे? नहीं शिवम, मैं बस ये कह रहा था कि सब इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड। नहीं क्या बता रहे थे आप? आई वांट टू नो मोर। शिवम व्हाट नॉनसेंस इज दिस? नहीं टेल मी अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। फॉर गॉड सेक शिवम स्टॉप कॉम्प्लिकेटिंग द मैटर्स। मैं कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट कह रहा हूँ। ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट है। आप लोगों को क्या हो गया? शट अप। सॉरी शिवम पर मैं बस यूं ही, एक्चुअली नथिंग, आई एम सॉरी। अब ये भाभी के पीछे क्यों जा रहा है? शिवम बहुत बदतमीजी कर रहे हो, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ और उसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया और उसकी कीमत हम चुका चुके हैं। शिवम जस्ट शट योर माउथ। हैंडल दिस वीपी। ममता जी पुराने घाव भरने में वक्त लगता ही है और हम सब जानते हैं कि शिवम और विक्रांत हैव अ हिस्ट्री टुगेदर। सॉरी पलक, मेरी टाइमिंग शायद ठीक नहीं थी, मुझे इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए। नहीं इट्स नॉट योर फॉल्ट। शिवम ना ऋत्विक से बहुत प्यार करता है, उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। आई नो हिम, वो बुरा नहीं है। आई नो। हाय भाभी, आर यू ओके? एंड यू डोंट वरी, मेरी पापा से बात हो गई है और मैंने उन्हें कहा है कि शिवम को ना जायदाद से बेदखल कर दे और इस घर से निकाल दे। हैप्पी डैडी। हेलो डैडी, आज हमारा होमवर्क बहुत डिफिकल्ट है, हिंदी का है। बस हिंदी से क्या डरना है? अरे हिंदी तो अपनी मम्मी की भाषा है, मदर टंग है। चलो मैं कराता हूँ आप लोगों को होमवर्क। थैंक गॉड इन बच्चों ने मुझसे अपनी हिंदी का होमवर्क कराने नहीं कहा। विक्रांत मेरा बेटा नहीं है, पर जो उसने मेरे लिए किया, मेरे परिवार के लिए किया, सगे भी नहीं करते। बिजनेसेस का क्या है, बिजनेसेस कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, पर जिस तरह से उसने घर को संभाला, पापा को संभाला, जिया को हंसाया, ऋत्विक शायद अभी कभी ठीक नहीं होगा। पलक और विक्रांत कब तक ऐसे जिएंगे? इनकी दूरियां खत्म करनी होगी, पर कैसे?
एक मिनट। हाँ, पाक आए हुए थे सेतु और बच्चों से मिलने। पलक मस्ट बी सो मिजरेबल यार। और सेतु, हमें पलक को ना इस मिजरी से बाहर निकालना होगा। एनी हाउ। कैसे? हाउ? वैसे ही जैसे मम्मी ने बोला है, विक्रांत और पलक की दूरियां खत्म करके। पर रीवा, हम करे तो करे कैसे भाई? पार्टी क्यों? और मुझे ऋत्विक के साथ रहना है, सॉरी। अरे क्या भाभी, अब सुबह से सबको पॉजिटिव करने में लगे हो और अब जब हम सब पॉजिटिव हो गए तो आपको नहीं आना। प्लीज भाभी, मेरे लिए प्लीज। यस यस, ओके फाइन, यस, थैंक यू। निकल यार। कौन सा पिया? ये दादा, ये दादा। अबे नहीं, तुम बनाते रहने चाहिए। You know what? I hate that word positive. Nice party. I know. इन रिंग थोड़ी ज़्यादा strong है। Really? But अच्छी है ना भाभी? हाँ, मैं एक और बनाती हूँ। वो भी bottom. No. I'm not doing it. No. अब ड्रिंक्स अपना कमाल करेंगे। यस। चीयर्स। एक बात बता, शादी के बाद कभी विक्रांत ने ट्राई नहीं किया? तू पागल हो गई है? उल्टा उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। एंड आई कैन नेवर, आई डोंट फील फॉर हिम। तुझे क्या लगता है, हमेशा ऐसा रहेगा क्या? तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, इतना टाइम हो गया है, आई मीन कब तक? आफ्टर ऑल ही इज योर हस्बैंड, राइट? वो भी जो हॉस्पिटल में है। भाई तुझे एक बात पता है, मतलब रीवा बोल रही थी कि जो पार्टी है ना, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज की है पलक और विक्रांत को नजदीक लाने के लिए, और ये सब सेतु और इन लोगों ने मिलके ही प्लान किया है। सेतु औरों की लव लाइफ प्लान करने में लगी है खुद का बोलकर। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा था पलक रिकी को कभी नहीं भूलेगा, मैं जानता हूँ उसे। मैं थोड़ी भी दो चलना कंपनी दे। चल ठीक है। Thank you. Have fun, boys. Guys, look who's here. Vikrant, come on. Okay. तो जो पहले अपना शॉट्स खत्म करेगा वही होगा विनर। I'm going to my room. Bye. Sahi bhi hai. Theek hai. Bye, Pala. Bye. Bye. Chalo, bahut zaruri baat karni hai. Aapse khadi ho gayi. Vikrant bhaiya, chalo. Chalo. Ab bhi karni hai, bahut zaruri hai. Are Reeva, kahan leke ja rahi ho yaar? Kamre mein to relax, unwind and just chill. Okay, sorry, sorry. Ow. Ow. Fireflies, Angrez. Oh yeah, fireflies. So beautiful. है ना? Light off कर देंगे ना तो और चमकेगा, और भी सुंदर दिखेगा. एक मिनट.
like your shampoo. Jasmine. वाह, बड़ा notice करते हो तुम. एक बात पूछूं? पूछो. तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? हमारे रिश्ते के बारे में? Friends. मुझे लगा था फ्रेंड से ज्यादा. बेस्ट फ्रेंड. दर्द हुआ? अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा दुखता है. शादी को इतना टाइम हो गया है, मैं तुम्हारे दिल में उसकी जगह